and now I am on Panchaganga river. So this is beautiful river. 2 minute ke liye ruke the. Saath hi saath this is what my luggage is. Channel ko subscribe kijiyega aur bell icon ko click karna bilkul bhi na bhuliyega. Comment karke batayega if I am doing something wrong ya fir mujhe improve karne ka zarurat hai. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. सो आज जो है हम जा रहे हैं कूर्ग को. सो दिस विल बी समवेयर अराउंड 700 किलोमीटर्स. लेट्स सी कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग टू सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं कि नहीं. हमने ट्रिप को रीसेट कर दिया है एंड मैं मिलता हूँ आपको हाईवे पे. वेलकम बैक गाइज. तो हम हाईवे पे मेरे घर के नज़दीक जो रोड है वहाँ पर आ चुके हैं. So the plan is for Kurg and this is a beautiful city जहाँ पे हम जो है explore करेंगे. मैंने एक हफ्ते का छुट्टी लिया है और एक हफ्ता पूरा हम enjoy करने वाले हैं. Goa, Udupi and then Kurg. Probably अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि let's see क्या मैं सोच रहा हूँ. I will also show you guys my plan कि जैसे ही हम गोवा में पहुँचेंगे तो मैं आपको मेरा पूरा प्लान जो है वो दिखाऊंगा. आज जो है वो है 12 दिसंबर और सुबह के 9:17 हो चुके हैं. सो हम निकल चुके हैं कूर्ग के लिए एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल मानसून सीजन. सो वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, उडुपी एक्सप्लोर करेंगे, गोवा थोड़ा बहुत. आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ गोवा ओवर हियर. तो गोवा एक्सप्लोर नहीं करेंगे बट गोवा इज़ ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम. तो मेरे घर से 230 किलोमीटर गोवा है. तो गोवा आज अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे. सो कूर्ग इज़ समवेयर अराउंड 700 किलोमीटर. तो कूर्ग एक्सप्लोर करेंगे और इसके बाद जो है तो मैंने थोड़ा बहुत पेट्रोल ऑलरेडी है मेरे पास. ट्रिप रीसेट कर दिया हुआ है और टायर प्रेशर भी मैंने चेक किया है. सो सब कुछ है अभी हमारे पास. साथ ही साथ मैंने 2 बैग्स लिए हैं. तो मैंने क्या सेटिंग किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा हाईवे पे. तो मिलते हैं अब डायरेक्टली हाईवे पे. सो लेट्स सी एंड नाउ आई एम ऑन पंचगंगा रिवर. सो दिस इज़ ब्यूटीफुल रिवर. 2 मिनट के लिए रुके थे. साथ ही साथ दिस इज़ व्हाट माई लगेज इज़ टू बी. तो ऐसा लगेज दिख रहा है हमारा. सो दिस विल बी अ ऑसम ट्रिप. एक्चुअली इट इज़ अ सोलो ट्रिप. फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ एंड फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप इट इज़. तो इंटरेस्ट तो है, चैलेंजेस हैं और आई नीड टू बी केयरफुल. तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तो इस ट्रिप के बाद हम और भी बहुत सारी ट्रिप्स करेंगे. यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी और हम हैं कोल्हापुर सिटी में पंचगंगा रिवर के ऊपर. और यहाँ से जो है फर्स्ट प्लान इज़ टू विजिट गोवा. वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत. बट यस द प्लान इज़ टू टेक लंच. तो लंच वहाँ पे करेंगे. ये है हमारा प्लान आज का. सो ये है मेरा लगेज सेटिंग. तो मैंने कुछ इस प्रकार सेट किया हुआ है. ऊपर वाले बैग में लैपटॉप एंड सम GoPro एंड कैमरा चार्जर्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें. और यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स मैंने मेरे कपड़े लिए हुए हैं. सो पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत मज़ा आने वाला है गाइज. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा. मैं बहुत सारे वीडियोस और इंस्टाग्राम में भी जो इंस्टाग्राम लिंक दिख रहा है वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिएगा. सो लेट्स सी एंजॉय द व्यू. तो ये है फर्स्ट टोल गेट और समय जो है वो लगभग 10:10 हो चुका है. तो हम घर से निकले थे तब 9:15 और यहाँ तक हम पहुँचे हैं. यहाँ तक हम पहुँचे हैं. ब्रेकफास्ट करेंगे 10:30
अभी हाँ आधा घंटा और खींचेंगे, 10 बजे ब्रेकफास्ट करने का था, बट यस हम पहले से ही थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं तो हम 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। मैकडोनल्ड्स एज वेल, बट अभी नहीं, 10:30 बजे। अगर 10:30 बजे मिल जाते मज़ा आ जाता। सो एन्जॉय द ब्यूटिफुल व्यू विथ अ ब्यूटिफुल म्यूजिक। जो है मौसम बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, इतना खतरनाक पहले कभी नहीं हुआ था। शायद आज हम जा रहे हैं इस वजह से। बढ़िया सा लग रहा है यार आज तो, 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 हफ्ता पूरा एंजॉयमेंट, फ्री, 100% फ्री, नो कॉल्स, नो मैसेज, नो ईमेल्स, बस खाली घूमने का है अपने साथ, बस खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का है, 2023 का प्लान करने का है, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट है। और हाँ, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा केयरफुल रहेंगे, अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो और दूसरों की वजह से हमें ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखेंगे। तो फर्स्ट प्लान इज फॉर गोवा। बढ़िया मौसम, ठंडा मौसम, मस्त लग रहा है, बहुत मस्त। और इट इज़ अ सोलो ट्रिप, सोलो में जो मज़ा है शायद ग्रुप में नहीं, और ग्रुप में जो मज़ा है वो सोलो में नहीं है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट राइड, क्योंकि मेरे पास जो है अपना ग्रुप की कमी है, तो है ही नहीं कोई। तो इससे मुझे अपने बाइक के पीछे अपना YouTube चैनल और Instagram का ID लिखवाना है, ताकि लोग हमें पहचाने कि एग्जैक्टली कौन है हम। सो ये थोड़ा सा करेंगे, देखते हैं कि कहाँ पे हमें एक शॉप मिलता है जहाँ पे हमें हम उसको जो है लगवा सकते हैं।
बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा पानी बैग में है, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, अभी नहीं, हम लेंगे ब्रेक। सो ब्रेक लेंगे जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप जो मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है। सो हम महाराष्ट्र से होके कर्नाटका और कर्नाटका से होके केरला बाउंड्री से गुजरेंगे। सो दिस इज़ व्हाट माय प्लान राइट नाउ। तो पहले तो है गोवा, अगर गोवा अचीव कर जाते हैं समय तक, तो फॉर एग्जांपल कि मैंने सोचा है कि गोवा में हम लंच करेंगे, तो अगर गोवा में मैं लंच कर पाया, ठीक से टाइम स्पेंड कर पाया गोवा में, तो 100% आज का जो टारगेट है वो हम कवर कर लेंगे। और डायरेक्ट कुर्ग को हम नहीं जाएंगे, वो तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। सो एक दिन का स्टे करेंगे बीच में, और उसके बाद दूसरे दिन, वो भी दोपहर को, शाम को प्रोबेबली हम वहाँ पे पहुँचेंगे, और दूसरे दिन हम कुर्ग एक्सप्लोर करेंगे। समवेयर अराउंड 3 to 4 days हम वहाँ पे रहने वाले हैं। सो बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, या फिर मुझे इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। सो मेरे पास सारे राइडिंग गियर्स हैं और फ्यूल भी अप है, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन हम फ्यूल अप भी करेंगे थोड़ी जल्दी, और मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए।